बरेली पुलिस के आला अधिकारियों ने बरेली के सभी थानों को इंटरनेट से जोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि लगातार पुलिस को हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते बरेली के 4 थानों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट चलने की सभी सुविधा भी मुहैया करा दी गई है। पुलिस विभाग बचे हुए थानों को जल्द ही इंटरनेट से जोड़ेगा और जल्द ही बरेली जिले के सभी थाने इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, जिससे अपराधियों को पकड़ना अब और भी आसान हो जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट चलने की सभी सुविधा भी मुहैया करा दी गई है। तो बरेली में एक अच्छी पहल शुरू की गई है, जहां पर हम आपको बता दें कि बरेली के 4 थानों को हाईटेक कर दिया गया है और यहां पर सारी सुविधाओं को कंप्यूटरीकृत करते हुए इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जिसके माध्यम से अब ये माना जा रहा है कि अपराधियों के सारे डेटा इसमें अब आसानी से एक थाने से दूसरे थाने में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। साथ ही एक थाने की जानकारी दूसरे थाने में आसानी से अब लोगों को मिल जाएगी। और इस हाईटेक होने के बाद अब थाना क्षेत्र या कोतवाली की बात करें तो पुलिस को भी काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से अब आसानी से सभी, चाहे वो अपराधी हों या किसी तरह के आरोपी हों, उनके डिटेल्स निकाले जा सकते हैं और इससे काफी आसानी होने वाली है। तो जिस तरह से लगातार पुलिस थानों को हाईटेक करने की बात कही जा रही थी, अब उसकी जो कवायद शुरू हुई थी वह कुछ शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी शुरुआत की गई है बरेली से, जहां पर 4 थानों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है और कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। इस मामले में अधिक जानकारी के साथ बरेली से करुणानिधि गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करुणानिधि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन थानों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और कैसे शुरुआत की गई। आपको बताना चाहेंगे कि हम बरेली में लगभग यहाँ पर 29 थाने हैं और उन थानों में जो शहर के थाने आते हैं उनमें से लगभग लगभग अधिकतर थानों को या दर्जन भर थानों को हाईटेक किया गया है और तकनीक के साथ जोड़ा गया है, जिसके चलते अब किसी भी पीड़ित की FIR जो दर्ज होगी और सारे थाने नेटवर्किंग से जोड़े गए हैं, जिससे कोई भी कहीं भी मामला दर्ज होता है तो वो सभी थानों के संज्ञान में रहेगा, सभी थाना पुलिस उसको देख सकती है, उससे इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे अपराध पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो क्या अब अधिकारियों का क्या कुछ कहना सामने आया कि इससे अब किस तरह से मदद मिलने वाली है? जिस प्रकार से तकनीकी में बदलाव आ रहा है तो उस प्रकार से अब थानों को हाईटेक करके उन पे अपडेशन किया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे हाईटेक होने से अपराधी बहुत जल्दी पकड़े जा सकते हैं, उन पे लगाम लगाई जा सकती है और अपराध को बहुत तेजी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिलहाल थानों को तो हाईटेक कर दिया गया है, लेकिन क्या अब कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराना हो तो वह ऑनलाइन करा पाएगा? अभी जो यहाँ पर प्रक्रिया की गई है वो फिलहाल जो FIR है उसको यहाँ पर कंप्यूटराइज करके उसको ऑनलाइन किया गया है, लेकिन निकट भविष्य में ऑनलाइन FIR की भी यहाँ व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसी भी कंप्लेंटी को अपनी व्यवस्था के तहत तो ऑनलाइन FIR का अधिकार मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो थानों में FIR है वो वहीं के कर्मचारी ऑनलाइन करेंगे और उनको नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है। जी, तो क्या माना जाए कि इंटरनेट से अब आम जनता को भी ये जो थाने हाईटेक हुए हैं उनको जोड़ा जाएगा या केवल अपने आसपास के आदान प्रदान के लिए ही, यानी पुलिस के आदान प्रदान के लिए, डेटा आदान प्रदान के लिए ही इन थानों को हाईटेक किया गया है? अभी जो शुरुआती दौर में पुलिस अधिकारियों से हम लोग बात हुई तो शुरुआती दौर में फिलहाल पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए हाईटेक किया गया है और पुलिस की सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए और जो आम आदमी की FIR है उसको एक दूसरे को सूचनाएं प्रदान करने के लिए इस तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन निकट भविष्य में इसको पब्लिक को भी फायदा देने के लिए जो ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठ के कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और कंप्लेंट लॉज कर सकता है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी निकट भविष्य में फायदा मिलेगा। जी करुणानिधि, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस को हाईटेक करने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसकी शुरुआत की गई बरेली से, जहां पर 4 थानों को हाईटेक करते हुए अब इंटरनेट से जोड़ दिया गया है।